हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टर ए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है, पर्सनालिटी क्या होती है। ओके, तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि पर्सनालिटी क्या होती है, किसी भी पर्सन के सोचने समझने का तरीका, जिस तरीके से उसका इमोशनल पैटर्न है, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनालिटी के अंदर आती है। एंड डिसऑर्डर ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने ऑर्डर से हट चुके हैं, जो उनका आइडियल ऑर्डर होता है वो चेंज हो गया है। अब मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था कि तीन मेजर क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, कौन कौन से, क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑड एंड इराटिक थिंकिंग और बिहेवियर। दे इंक्लूड पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये तीन चीज़ें इंक्लूड करता है, कौन कौन सा, पैरानॉइड, सीज़ोइड एंड सीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो ये होता है कि बहुत ही ऑड थिंकिंग इनकी होती है और इराटिक थिंकिंग होती है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे कि ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, सिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है एंड सीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। सबसे पहला पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कम्स अंडर क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड इस सारे के सारे इंडिविजुअल्स, इनके जो मोटिव्स होते हैं, सस्पिशियस मोटिव्स होते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, पोवेसिव डिस्ट्रस्ट, लोगों पे भरोसा नहीं करते, दूसरों पे सस्पिशियस फील करते हैं एंड उनके जो मोटिव्स होते हैं वो सही नहीं होते दूसरों को लेके। ठीक है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सेकंड पॉइंट क्या है, अनजस्टिफाइड बिलीव दैट अदर्स आर ट्राइंग टू हार्म और डिवाइस द अदर पर्सन। ठीक है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो दूसरे हैं वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज अनजस्टिफाइड सस्पिशियस ऑफ लॉयलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अदर्स। सो दूसरों के लिए हमेशा ऑफ कोर्स सस्पिशियस रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दूसरे उन्हें धोखा ही दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं दूसरे। ठीक है, सो इस तरीके से वो हमेशा इनकी थिंकिंग होती है कि उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स उनके लिए लॉयल नहीं है, ट्रस्ट वर्दीनेस वो शो नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में एक अननोन फियर होता है। ठीक है, जिनसे उनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि जो भी इनके लव्ड वंस हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये हमेशा इनका साथ छोड़ देंगे और इनके अगेंस्ट चले जाएंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स बहुत जल्दी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप किसी और के बारे में कुछ कह रहे हो तो ये उस इंसल्ट को भी अपने लिए ले लेंगे, या फिर किसी और, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरों को नहीं उनको ही कह रहे हो, बट किसी और का सहारा लेके। ठीक है, तो इस तरीके से उनको फील होता है कि सारे का सारा इंसल्ट एंड अटैक सिर्फ उनके लिए ही है। बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, हॉस्टाइल रिएक्शन होता है। ठीक है, हमेशा इनको ऐसा लगता है कि हमारी ही बेइज्जती हो रही है, हमें इंसल्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत टाइम तक ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो ये भी याद रखेंगे कि 5 साल पहले, 6 साल पहले तुमने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, तो वो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। कोई छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब कभी भी इनको इंसल्टेड या फिर ऐसा फील हुआ होगा कि कोई भी पर्सन इनके साथ बुरा कर रहा है, तो ये इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए याद करके रखते हैं। ओके, एन अनजस्टिफाइड करंट सस्पिशन ऑन स्पाउसेस और पार्टनर लाइक एज द पॉइंट ऑफ अनफेथफुलनेस। इनको हमेशा लगता है कि इनके हस्बैंड्स या वाइफ या जो भी लव्ड वंस जिनसे ये प्यार करते हैं वो इनको 100% धोखा दे ही रहे हैं। ठीक है, इनकी थिंकिंग इसी तरीके की ही होती है एंड उसी तरीके से ये फिर बिहेव करते हैं। इसे हम कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन वी हैव सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज
समवॉट रिलेटेड टू सिज़ोफ्रेनिया। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स होते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रिफरिंग टू बी अलोन। इनको अकेले रहना पसंद होता है, किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, पर्सनल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनको अकेले रहना पसंद होता है, लोनर होते हैं ये लोग। लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इनकी पास बहुत लिमिटेड रेंज होती है इमोशनल एक्सप्रेशन की, इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ना के बराबर इनमें होता है। या अगर आप ये कहेंगे कि इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। इन एबिलिटी टू टेक प्लेजर इज मोस्ट एक्टिविटीज़, ये क्या करते हैं, इन एबिलिटी टू टेक प्लेजर, कई सारी ऐसी सिंपल सी चीज़ें जिनमें हर किसी को अच्छा लगता है, खुशी होती है, प्लेजर होता है, उन पे ये क्या करते हैं, उनको ये फील नहीं कर पाते यूजुअली, उन सारी एक्टिविटीज़ में दे आर नॉट एबल टू फील प्लेजर। ओके, इसके अलावा इनेबिलिटी टू पिक अप नॉर्मल सोशल क्यूज, नॉर्मल सोशल क्यूज को भी ये पिकअप नहीं कर सकते। अपियरेंस ऑफ बीइंग कोल्ड एंड इंडिफरेंट टू अदर्स, दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर रहता है, बहुत ही रूडली वो दूसरों से बात करते हैं और वो फील भी नहीं कर पाते इमोशंस, इसी वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड बिहेवियर होता है दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए, सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों की साइड से। दे हैव लिटल एंड नो इंटरेस्ट टू अदर पर्सन, सो किसी दूसरे पर्सन चाहे वो सिमिलर जेंडर हो या डिफरेंट जेंडर हो, उनके लिए किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट या फिर लव जेनरेट नहीं होता है सिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में। ओके, देन वी हैव सीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो सीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये इस तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑफ कोर्स पर्सन क्या करता है, एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रेस करेगा, एक पर्टिकुलर बिलीव होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर होगा उस पर्सन का। दे हैव परपेचुअल एक्सपीरियंसेस, तो इनको अजीब अजीब सी वॉइसेस सुनाई देती हैं, आपका नाम सुनाई देगा, खुद का नाम सुनाई देगा, फैमिली मेंबर में किसी भी पर्सन का नाम सुनाई दे सकता है, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस सीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों के साथ होता है। फ्लैट इमोशंस और इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, या तो फ्लैट इमोशंस शो करते हैं, मतलब बिल्कुल अजीब सा फ्लैट इमोशन शो करेंगे, या फिर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे, इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज आपको देंगे। सोशल एंजाइटी इनको होती है एंड लैक और ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, या तो कम क्लोजनेस होगी, या तो क्लोजनेस कम होगी या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा क्लोज रिलेशनशिप्स में। ओके, इनडिफरेंट एंड इनअप्रोप्रिएट और सस्पिशियस रिस्पॉन्स टू अदर्स, तो दूसरों के लिए बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर होगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है, दे हैव मैजिकल थिंकिंग, दे बिलीव यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड इवेंट्स विथ योर थॉट्स, उनको ऐसा लगता है वो अपने थॉट्स के थ्रू ही लोगों को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बिलीव दैट सर्टन कैजुअल इंसिडेंसेस और इवेंट्स हैव हिडन मैसेज मेंट ओनली फॉर देम, इनको कई बार ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कोई हिडन मैसेज है जो कि सिर्फ इनको ही पता है, इस तरीके की ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ फील करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो ये होते हैं सीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और ये तीन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। सो वी आर डन विद पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीज़ोइड एंड सीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड देन क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, सीनियर एंड जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हो, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, एवरी क्लास इज अवेलेबल इन अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।